बात हुई वक्त फजर आ गया, मेरे इमाम ने अपने बेटे ने फरमाया अजान दे, आखिरी अजान दी हुसैन ने आखिरी जमात कराई, दुआ फरमा के ते लश्कर यजीद वल गए, खुतबा इतमाम हुज्जत वास्ते खुतबा फरमाया, फरमाओ यजीदियो मैं हुसैन हूं जिदे वास्ते हरनी बच्चे लैके आई, जिदे वास्ते जबरील जन्नती जोड़े लैके आए, मैं हुसैन हूं जिदा झूला जबरील झुलांदे रहे। लेकिन यजीदियां वालों एक कोई पुकार सी, जंग कर या बैत कर, अला हाजा कयास, जंग दा ऐलान है। मेरे इमाम दे संगी बेली साथी कले कले जाके शहीद होंदे रहे, जो सारे शहीद हो गए तो फिर आप दे घर वाले दी वारी आई, जो आप दे घर वाले भी शहीद होए तो आप दे दो त्रै बेटे ते आप कले रह गए, ते खवातीन रह गई, बाकी सब शहीद हो गए। आखिरी भाई जो मैंने हुक्म है मैं हूं बात अर्ज कर लगा, हजरत अली अकबर ने जो वेखिया ने कि सारे शहीद हो गए, हजरत अली अकबर ने अपने बाबे को अर्ज की, बाबा जान मैनु भी इजाजत दी जाए, मैं भी नाने दे दीन तो कुर्बान होना चाहता। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर तू नहीं जा सकता। बाबा जी क्यों? फरमाया तू हम शक्ले मुस्तफा है। हौली बोलियो, हौली बोलियो, हौली और हौली बोलो यार, हौली हौली बोलो। फरमाया तू हम शक्ले मुस्तफा है। बेटा अली अकबर तेनू पता है ना, जो मदीने आने ते लोग कट्ठे हो के मेरे दरवाजे ते आंदे सन, ते आ के आंदे सन हुसैन अज साडा ना नबी पाक नू वेखण नू दिल करदा, अज असी उदास हो गए, असा हजूर नू वेखना, हजूर की याद तादा करनी है, दिल उदास हो गया। हुसैन पाक फरमांदे ने फिर फरमाया जरा अपना बेटा अली अकबर बाहर कढ़ो ना, जद इनू वेखांगे ते नबी पाक की याद ताजा हो जाए, तू हम शक्ले मुस्तफा है, तेनू इजाजत नहीं देनी। अली अकबर की अखा में चथरू आ गए, फरमाया बाबा लोग की कहेंगे कयामत तक, बुढ़ा बाप शहीद करवा ले थे खुद बचिया रे, बाबा मैं हां ना, मैं हां ना, जवान पुत्र आज दा भी जवान है, बाप पट्ठे चुके होंदे ने पुत्र लागे यारा विच खलो के ते गप्पा मार दे, बाप मजदूरी करदा इट्टा फड़ांदा हुंदा ते पुत्र लागे अयाशी पे करदा, आज दा भी नौजवान, बाप बीमारी विच चार पाई ते बैठे ते बेटा यारा नाल बह के ते होटल ते रोटियां खान गया, अज दा भी नौजवान है। नौजवान वेखो इमाम अली अकबर दी मुहब्बत अपने बाप ने अर्ज की थी, बाबा मैं हां ना, उची नहीं बोले, उची नहीं बोले, आईमान वाले नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हो, मेरे इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन मैदाने कारेजार दे अंदर अपने भाई ते भतीजे ते नवासे शहीद करवा दीते, कादे वास्ते यो शर्त सी, नाने दा दीन रह जाए, ओदियान रह जाए, ओदिशान रह जाए, लुटी जाए भावे चो हुसैन दी, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। मुसलमानो इमामे अली अकबर इजाजत तलब की थी फुफो जान जैनब कोल में सलाम अखीरी पेश कीता है, अपनी मां नू सलाम पेश कीता, मेरे इमामे अली मुकाम नू अल्लाह हाफिज कह के समाने जहाज बनया, दस्तार बनी तलवार ले फरमाया, मेरे इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन दा बेटाओ सवारी ते सवार होके मैदान करबला वल जा रहे है, अंज तलवार लहराई जा रहे ने, नाले दौड़ दे जा रहे ने, सवारी दौड़ाई जा रहे ने, इधर लश्कर यजीद ने वेखिया ए बड़ा जरी जवान सोना जवान आ रहा है, बड़ा तेजी दे नाल आ रहा है, मेरे इमाम ने जाके आवाज मारी, ओ है कोई मेरे मुकाबले बच्चे आने
वाला है कोई मेरे नाल जंग करने वाला जदों इन कारा मारिया लोगों किताबां दस दियां ने अली अकबर दी आवाज इंज दी आवाज आई सारा लश्कर यजीद इंज कंबना शुरू हो गया तलवारा थले गिर गईया नेजे हाथां विचों छुट गए बाले छुट गए अमर इब्ने साद शिमर नूं आखदा है ओए शिमराओ ए कौन है जिदी आवाज दे नाल साडे हथियार थले डिग पए ने नेजे बाले थले गिर गए साडे दिल दहल गए ने कम गए ने करबला दी जमीन भी कम गई है शिमर आंदा तू नहीं जानदा ए हुसैन दा पुत्र अली अकबर ए फातिमा दा पोता है ए अली मौला दा फरमाया पोता है मामे अली अकबर ने जदों शिमर दी आवाज सुनी आपने फरमाया ओए लैना तू मेरा तुआरफ की करवाएगा मैं अपना तुआरफ आपे ही करवा देना वा तवज्जो फरमाना मेरे वाल फरमाया ओए यजीदियो मेरा नाम अली अकबर है मेरे बाबे दा नाम हुसैन है मेरे दादे दा नाम अली है मेरी दादी दा नाम फातिमा है हजरत जदों तारफ करवाया आपने फरमाया है मेरे मुकाबले दे अंदर आने वाला एक यजीदी अगे वधे आपने फरमाया किताबां दसियां ने जदों यजीदियां विचों कोई नहीं आया इमाम मंदर यजीदियां दे गुस्से आपने अंज तलवार मारी 500 यजीदियां ने सर कलम करके जमीन ते सट दिते एक बार किन्ने उची नहीं बोले एक बार 500 यजीदी वासले जन्म कीते अबने इमरे अमर इब्ने साद इंज कम गया उन्हें आख्या ओए इंज मारे जाओगे ईमान वाले तवज्जो फरमाए इधर हुसैन पाक खैमे दे दरवाजे अगे खलो के अपने बेटे दे ए जुरतमंदाना हमले पिया वेखदा है हजरात तलवार दे वार पे इमाम वेखदे ने लोगो यकबार की दा हमला होया इंज थूड़ा दमिया ने हुसैन पाक दा पुत्र ओल हो गया नजरां तो गैब हो गया मेरे इमाम दी अखां विच अथरू आ गए लोगो 18 साल दा पुत्र अली अकबर थोड़ी देर हुई मेरे इमाम ने देखिया एक सवारी दुड़ांदा या कोई आ रहा है फरमाया जदों करीब आए देखिया अली अकबर फरमाया बाबा अज अगर पानी दा एक घुट मिल जाए मैं 22,000 लश्कर नू नेस्तो नबूद कर दियांगा बाबा मैनू पानी मिल जाए मैं सारिया नू अज वासले जहन्नम कर दियांगा मेरे इमाम ने फरमाया थले आ जाओ सवारी तो थले उतरे इमाम अली अकबर सामने आए बाप दे जिदों सामने आके खड़े हो गए फरमाया बाबा अल्लत अश पानी मिल जाए मेरे इमाम दी अखां विच आंसू आ गए मेरे इमाम ने फरमाया बेटा जे पानी मौजूद सहारी होंदा तेरा जनाब चाचा अब्बास बाजू कलम ना करांदा ओनो मोहम्मद शहीद आंदे ओवे सैयदा सकीना पानी पया मंग दिया नी पानी कोई नहीं मेरे इमाम ने फरमाया बाबा जे पानी कोई नहीं सी मैनू सवारी तो थले क्यों बुलाया जे मैनू उथों ही वापस कर दें दे मेरे इमाम ने फरमाया बेटा ए सखी हुसैन दा दरवाजा ए सखी हुसैन दा दरवाजा है एथे आया कोई खाली नहीं गया बाबा जब
पानी कोई नहीं फिर मैनू की दियोगे। फरमाया बेटा आ जा जदों मैं छोटा जिया सा मेरा नाना मौजूद सी मैनू प्यास लगदी सी मेरा नाना मुस्तफा मैनू सीने ते बिठा के अपनी जबाने वामा यंते कुआने लहवा मेरे मुंह दे अंदर रख दे सन मैं मुंह च रख के जबान चूसना सा मैनू सुकून हो जांदा सी। आ जा तू भी अज मेरी जबान नू चूस ले हो सकदा नाने दे लाबे दान दा कोई कतरा मौजूद होवे कोई तस्वीर मौजूद होवे लोको हुसैन पाक ने जबान बार कढ़ी अली अकबर ने जबान मुंह विच रखिया मुंह विच रख के जदों चूसिया अखियां बंद हो गईयां जदों अखियां बंद हो गईयां झटके नाल छोड़िया हुसैन फरमांदे ने पुत्रा इंज क्यों छड़ी जबान अर्ज की बाबा आवे मेरा नाना मुस्तफा खड़ाई मेरी दादी फातिमा खड़ी है मेरा बाबा अली खड़ा है मेरा ताया हसन खड़ा है ओ आवाज़ मार देनी आ अली अकबर जल्दी आ तेनू जामे कौसर पला देने आ। ईमान वाले गौर फरमाना मेरे इमाम दोबारा सवारी ते सवार होए आखरी मर्तबा सलाम कीती करबला दे मैदान च चले गए दोबारा जाके सजना यजीदियां नूं वासले जहन्नम कीता अमर इब्ने साद आखदा है ओ यजीदियो कल्ले कल्ले जाओगे मारे जाओगे यक बार की तेरा हमला कर दियो जदों चारे पासो तीरां ते तलवारां दे वार आए मेरे इमाम दे जिस्म दे अंदर जदों तीर लगे तलवारां लगियां नेदे लगे बाले लगे ने मेरे इमाम दी सवारी फरमाए इमामे अली मुकाम दा बेटा ए जख्मां दी ताब ना लियांदियां होया जमीन वल तशरीफ ले आए आवाज मारी अदरक नी आया बता अदरक नी आया बता मेरे बाबा मेरी मदद नू आ जाओ मेरे इमाम ने सवारी दुड़ाई मैदान विच आ गए रवायत दे अंदर आंदा है यजीदियां जालिमां ने मेरे इमाम दे पुत्र दे सवारियां दौड़ांदे ने फरमाया जदों सवारी दौड़दी है सवारी दे पैरां दे नाल मेरे इमाम दा जिस्म लगदा है पर मैं कदी इस पासे कदी उस पासे दो रवायत आउंदियां ने एक रवायत आउंदी है हजे कुछ सांस मौजूद सन पर मैं मेरे इमाम ने गोद विच बिठा के अज जुल्फां दे हाथ फेरिया अली अकबर अखां खोलियां पर मैं बेटा मैनू जानना मैं कौन आं अली अकबर ने इशारा किया बाबा मैं जानना तू मेरा बाप है रो कहने बेटा अली अकबर कोई दिल दी तमन्ना है बयान कर दे लोको दूसरी रवायत देना होंदा है मेरी मामे अली मुकाम दे बेटे दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे इमाम ने मैदाने करबला दे अंदर जदों बेटे अली अकबर दा लाशा वेखिया पैर किते पिया होया है लत किते पई होई है धड़ किते पिया होया है मेरे इमाम चादर जमीन ते पा ली अपने पुत्र दा लाशा कट्ठा कर दे ने
जदों सारे जिस्म दियां बोटियां कठियां करके चादर पा के अंज गठरी बना के किताबां विच आउंदा जदों चुकन लगे लोको ए बेटे दा लाशा ना चुकिया गया अंज कमर ते हाथ रख के बह गए आवाज मारी अली अकबर सवेर तो लैके हुण तक मैं लाश चुकदा रहा मैनु कमजोरी नहीं आई मैं हिम्मत नहीं हारिया मैं लाश चुकदा रहा मां तेरा लाशा नहीं चुकिया जा रहा किताबां दसदियां ने 55 साल तो ज़ायद उम्र मेरी मां दी 56 साल दे करीब करीब उम्र हो गई मेरी मां दी दाढ़ी भी काली है सिर दे वाल भी काले ने लोको पुत्र मर जान बाप बुढ़े हो जांदे अल्लाह अकबर बाप फरमा बुढ़े हो जांदे ने लोको मेरे इमाम दी दाढ़ी भी काली सिर भी काला है लोको जदों पुत्र अली अकबर नु चुकिया खैमे वाले आए अगे फरमाया सैयदा सकीना आ गया फरमाया फुफो जान मेरे बाबे नू की होया है हुण मेरे बाबे दी दाढ़ी दे वाल काले सन सफेद हो गए रवायत दे अंदर आउंदा है अगे सैयदा ज़ैनब जाके लाश इंज रखिया सैयदा ज़ैनब लाश नाल चिंबड़ गई आप फरमान ने वफादार भतीजी आप बोलते सही चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरी मैनू अपने पुत्रा भुल जाना नहीं भुलनी तस्वीर तेरी रवायत दे अंदर आउंदा है फरमाया सैयदा सकीना जो बन्ने निकलियां खैमे चो निकल दिया अखां के नेहरा आ गया इमाम अली अकबर दे जिस्म नाल पैर लगा गोशत दा टुकड़ा हाथ विच अर्ज कर दिया बाबा त्रै दिन कोई खाना लैके नहीं आया कोई पानी लैके नहीं आया बाबा कौन एडा वफादार जरा साढ़े वास्ते इस वक्त गोश्त लैके आया सैयदा सकीना दा लफ़्ज़ सुनिया इमाम अली मुकाम दिया निकली फरमाया बेटी सकीना चुप कर जा ए गोश्त नहीं तेरे वीर अली अकबर दा जिस्म जदों जिस्म दा नाम सुनिया मेरी मामी अली अकबर दी बेटी जिस्म दे विचारां च फोलना शुरू कीता जिसम नू फोल दिया ने गोशत दे लोथड़े लैदा लैदा हो गए मेरे इमाम ने फरमाया बेटा सकीना मैं बड़ी मुश्किल जिसम कट्ठा कीता ई इंज क्यों पई करनी है अर्ज कीती बाबा अपने वीर अली अकबर दे हाथ पई लबनिया जिन्ना नाल मेरे जिन्ना हाथा नाल मैनू चुक के प्यार कर दे मैं वो हाथ पहला बनी आओ आखरी जुमले कहना चाहना लोगो सैयदा सकीना आंदिया ने ओ वीर अली अकबर तू ते टर गया है तेरी बैल सुगरा मदीने च इंतजार कर दी होवेगी आंदी होवेगी सब परदेसी वतनी आए तुम अकबर मोड़ मोहरा वादा करके अमड़ी जाया परतना लिया सारा फरमान दिया ना अकबर आया ते ना असगर आया ना आई बैन सकीना कल फरमाया वीराबाज सुंजड़ा दिसदा नाले दा शहर मदीना
मेरे इमाम ने अपने जवान पुत्र नाने दे दीन तो कुर्बान करवाया। लोगो इक्तदार वास्ते नहीं, नाने दे दीन वास्ते। मैं जो बात कहना चाहना तवज्जो फरमाओ, ये सारा सिलसिला सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा वास्ते हुए, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत वास्ते हुए। क्योंकि यजीदी खत्म नबूवत का मुनकर सी, यजीदी खत्म नबूवत दा बोलो मुनकर सी। मेरे इमाम ने तहफ्फुज़ खत्म नबूवत फरमाया। कयामत तक आने वाली दुनिया में दस लोगो जेड़ा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कर दे वो दुनिया ते भी जिंदा रहेगा, मरण तो बाद भी ओदा ना जिंदा रहेगा। अगे मेरे भाई कलाम पढ़े, मेरा दिल भी हुसैनी, मेरी जान भी हुसैनी। ओदे अंदर एक शेर आउंदा है, ए जेड़ी मसाजिद ने ना सैयदना इमाम अली मुकाम दे सदके दी वजह नाल आबाद ने जी। तो अला हदा क्यास सामईन हाजरीन, मेरी सारी गुफ्तगू दा हासिल है आले बैत तहार दे इन चंद नफूसे कुदसिया ने नाने दे दीन दे तहफ्फुज़ वास्ते, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत वास्ते जाना कुर्बान करके नाने दे दीन आप यार कीता, कयामत तक नाने दा दीन जिंदा और पाइंदा रहेगा। लो आखिरी शेर सुनिए और दुआ खैर। मेरा ख्याल है को डेढ़ घंटे करीब तो जायद वक्त हो गया जी। आप ही सारा दिन कम काज करते हो, लेकिन जितनी देर बैठे हो मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। मैं अर्ज कीता ना एक दिन दी अहले बैत दी मोहब्बत दा जिक्र एक साल दी इबादत ना अफजल है। हुण इबादत कर लग्या, इबादत कर लग्या, ऐ भी इबादत सी हुण भी इबादत। अपनी जबान तो सारिया ये जुमला कहना है कि नमाज विच सजूद विच अजान विच हुसैन, कुरान विच हदीस विच तारीख विच हुसैन, उस कल हुसैन कल भी जिंदा आज भी जिंदा बादे, हुसैन जिंदा बादे, हुसैन जिंदा। नहीं इंज नहीं, हुण वक्त दुआ दे सारे बोलो हुसैन जिंदा बादे, हुसैन जिंदा बादे। सारे बोलो, सारे बोलो, तकरीर खत्म हो गई। ए अल्फाज अगले मुहर्रम तक तुहाडी गूंज दी रहने चाहिए ने, इना दरो दीवार दे अंदरों आवाज आनी चाहिए, इना कन्ना दे अंदर आवाज गूंजनी चाहिए। हाथ चुक के मुहब्बत ना बोलो हुसैन जिंदा बादे, हुसैन जिंदा बादे। मैं हदीस पर जाना तवज्जो फरमाओ, ए ओ जिक्रे हुसैन ओ जेड़ा नमाज दे अंदर जिक्रे हुसैन नहीं करदा ओ नमाज नहीं होंदी। जिस नमाज विच बोलो जिक्रे हुसैन नहीं नमाज, तुसी आखोगे मौला ने केड़ी गल कर दीती जी। हां जिस नमाज विच जिक्रे हुसैन नहीं ओ नमाज मुकम्मल नहीं। तुसी पढ़ते नहीं दरूश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, आले मुहम्मद नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होवेगी। उची नहीं बोले, उची नहीं बोले, उची नहीं बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, ते फिर मेरे ना मिलके बोलो हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, भूज पा जाए हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। दुनिया वाले नु आवाज बुलंद करके दसो ओ लोगो साडियां रगां दे अंदर हुसैन दी मोहब्बत है, ओ जेड़ा हुसैन नाल प्यार करेगा मेरा रब भी प्यार करदा है, मेरा नबी भी प्यार फरमा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
शर्मनाक कर गया हुसैन नाल लड़के अपनी मौत मर गया। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया हुसैन नाल लड़के अपनी मौत मर गया। यजीद कल भी मुर्दा आज भी मुर्दा बादे हुसैन जिंदा बादे हुसैन जिंदा बा। जेड़ा इशा तो लैके हुण तक भी नहीं बोलिया मैं दुआई कर सकना या अल्लाह इनू मदीने दी हाजी नसीब फरमा। ते जेड़ा पढ़दा रिया ते याद करदा रिया ते मैं दुआ करना या अल्लाह ए रात नू सौण ते जिक्रे हुसैन दा सदका ए तेना नू नींद विच हुसैन दी ज़ियारत हो जा। हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। पांच बार आखो ते दुआ करिए हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। आखिरी बारी हाथ चक्के हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। कयामत तक जेड़ा हुसैन का जिक्र करेगा वो दुनिया तो तुर भी गया लोग उन्हें याद रखेंगे क्योंकि हुसैनी है ना मेरे अजीजो। अल्लाह फरमांदा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा। रब फरमांदा है सोना कह दे अपने कलमा पढ़ने वाले नु मेरी आल नाल प्यार करे हां जी। तो मेरा अकीदा है जेड़ा बंदा सहाबा इकराम के खिलाफ भौंके वो भी बेईमान जेड़ा अहले बैत के खिलाफ भौंके वो भी बेईमान जी। क्योंकि मोहब्बत ईमान वाला वो ही होवेगा मुसलमान वो ही होवेगा जेड़ा आल नाल भी प्यार करे ते नबी दे सहाबा नाल भी प्यार करे।